चाइल्डलाइन की टीम द्वारा की गई कार्रवाई के बाद बच्चों ने अपनी आपबीती बताई। बच्चों ने बताया कि किस तरह ठेकेदार उन्हें 350 रुपए रोज देने की बात पर लेकर आया था और फिर बाद में उनका शोषण करता रहा। चाइल्डलाइन द्वारा मुक्त कराए जाने के बाद बच्चों ने बताया कि सभी मध्य प्रदेश के अशोकनगर के पीपरोदा गांव में रहने वाले हैं। ठेकेदार उन्हें कैटरिंग का काम कराने के लिए 350 रुपए रोज देने की बात कहकर लाया था, लेकिन इन बच्चों को वह ना तो खाना देता था और ना ही पैसे। बाद में जब बच्चों ने इसका विरोध किया तो वह बच्चों को मारता भी था। काम करने लाया था कहा मुझे पप्पू और एक महीने हो गया है, हमको रुपए नहीं दे रहा है। कई कहा 350 रुपया दूंगा, नहीं देता था खाना वगैरह, मारता था। एक दिन मारा था तो 4 लोग भाग गए हमारे। सब एक कमरे में 15 जने रखता था और खाना माना कुछ नहीं खिलाता था, शराब पी के आता था। हमें दादागिरी बताता है बुला ले कहाँ के कलेक्टर है तेरे कई, और एक कमरा में 15 जने रखता था। ठेकेदार के कब्जे से कुछ बच्चे गांव भाग गए थे। उन्होंने जब बच्चों के परिजनों को इसकी सूचना दी तो वे भी बच्चों को ढूंढते हुए इंदौर पहुंचे। परिजनों ने बच्चों से बाल श्रम कराने के पीछे गरीबी को कारण बताया। 4-6 जने आए थे वहाँ से, सुबह पीटे कर शुरुआत की, भाग गए। वे पहुंची 2-3-4 नाम करे की कार्य हमारी मोड़ मोड़ी कि भैया हम तो मारे समझ रात के भाग के आए सो कही अब बिल्कुल पता नहीं कहीं पैसा वैसा मैंने फेन नहीं कही तो मैंने कही पहली बार गए भी आए नहीं पड़ेगा हम चल अब तुम रुपये ले रखती कि हमने खपा का 8-8 रुपये दे रहे थे हमने अब हमें चली कि चलो बन चले चार ना कि हम आज आए तब पता लग पा। अरे भाई साहब गरीबी है मजदूरी के पीछे सबका सूट है। चाइल्डलाइन ने फिलहाल सभी बच्चों को बाल संरक्षण आश्रम भेज दिया। बाद में बच्चों के परिजनों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। सर इस प्रकरण में मैं यही कहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं हम चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स आगे आते हैं तो हम लोग उस ओनर पर FIR करा सकते हैं। और दूसरा बच्चों को चूंकि बंद कर रखा है उसने और खाना पीना भी नहीं दे रहा है तो हम इन सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करेंगे। जो भी व्यक्ति है उसका ओनर है उस पर जो भी फाइन बनता है उन बच्चों का जितना भी पैसा रुका हुआ है वो पैसा दिलाएंगे और बच्चों को मुक्त करा के उनके घर भेजेंगे। चाइल्डलाइन की कार्रवाई में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि ऐसे गरीब 200 बच्चे हैं जो इस तरह से ठेकेदार के झांसे में आकर इंदौर काम करने आए हैं। अब विभाग उन बच्चों की तलाश करने में भी जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।